अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, जब आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करना बहुत ही मुश्किल होता है और आपके इस कार्य बहुत बड़ा है लेकिन इतने सारे लोगों के आपके साथ एक पूरी लोग नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे भी हैं और बड़े उम्र के भी लोग उसमें हैं, तो कितना अच्छा कार्य है और ये कार्य होना कितना अच्छा लगता है देखकर? जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक संस्कृति का हिस्सा रहा, हमारे संस्कार रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप भगवान का नाम लेकर उस कार्य को शुरू करेंगे और सच्ची और ईमानदारी और मेहनत से लगन से करेंगे तो वो काम आपका अवश्य पूर्ण होगा। हमें लगभग 2400 किलोमीटर की यात्रा, हमारी साइकिल यात्रा जो उज्जैन से स्टार्ट हुई है और ये जम्मू तक जाएगी, तो लगभग 2400 किलोमीटर की यात्रा कोई एक छोटी बात नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं से एक अंदर से आत्मबल और ऊपर परमपिता परमात्मा की जो एक शक्ति या पावर है, इनको वो इनविजिबल रूप में वो मिल रही है इनके साथ। और इसी श्रृंखला में हम पूरे भारत में नरेंद्र मोदी विचार मंच, मिशन न्यू इंडिया के जो लोग हैं वो कदम कदम पे इनके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य जहाँ जहाँ हमारी साइकिल यात्रा पहुँची, प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ के हमारी नरेंद्र मोदी विचार मंच और मिशन न्यू इंडिया की टीम वहाँ पर इनके स्वागत अभिनंदन के लिए खड़ी रही, तैयार रही। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली की लगभग 400 से 500 के आसपास की संख्या इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए कल से लगी हुई है। और हम इनके हौसला और इनकी लगन और हिम्मत को देखते हुए कि ये हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए 8 पॉइंटों को लेके, जो 8 उद्देश्य हैं उनको लेके जो निकले हैं, तो इस मुहिम में हमें भी इनका साथ देना चाहिए। एक आम हिंदुस्तानी की हमारा एक नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि हम भी इनके जो 8 उद्देश्य हैं उनको आम जनमानस तक पहुँचाएँ और इनका हौसला अफजाई करें और हमारे राष्ट्र का निर्माण करें। तो प्रशासन और हम लोगों की बात करें तो लोगों से कितनी मदद मिल पा रही है आपकी इस मुहिम में? जी, हम जिस तरह हमारी जब साइकिल यात्रा सड़क पर उतरती है तो जगह जगह लोग इनको रोक के पूछते हैं और इनके जल पान की व्यवस्था करते हैं अपने आप, और इनको बताते हैं कि इससे पहले अगर आप हमें और बताते तो हमें और मौका मिलता आपकी सेवा का, और हम आपके जो ये मुहिम है उसमें हम आपके साथ हैं। हम हिंदुस्तान के कई क्षेत्र जो कि गांव के हैं जहां खेती खलियान होता है, वहां लोगों ने प्रण लिया है कि हम जैविक अपनाएंगे, किचन वेस्ट से मंडी वेस्ट से हम लोग जैविक खाद जो उसको अपनाएंगे और रासायनिक खाद का विरोध करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में भी बहुत लोग इनके साथ हैं और इनके साथ काफ़ी लोग पर्सनल लेवल पर वो चलकर दिल्ली भी पहुँचे हैं आज हमारे अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने के लिए।